आधा रास्ता तय कर लिया है और आधा जल्दी ही तय कर ले। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडिया गठबंधन में बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। कल यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बैठक हुई, लेकिन फिलहाल सीट बंटवारे का फॉर्मूला नहीं सुलझ पाया। मगर बैठक के बाद सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव का बयान जरूर चर्चा बटोरने लगा। मीटिंग के बाद वो आशावादी दिखे और कहा कि आधा रास्ता तय हो गया है और आधा बाकी है। लेकिन मैं कहता हूँ आधा रास्ता तय कर लिया है और आधा जल्दी ही तय कर लेंगे। बीएसपी को साथ लेंगे या नहीं? अब बीएसपी पे पूछो जाके आएगी कि नहीं आएगी। आप अपनी तरफ से चाहते हैं? हम अपनी, अरे हम तो कांग्रेस से बात कर रहे हैं, अभी कांग्रेस हमसे बात कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बुधवार को कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर सपा और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच सीटों के बंटवारों को लेकर बात चली। इस बैठक में सपा की ओर से महासचिव रामगोपाल यादव समेत कई बड़े नेता पहुंचे थे। खबर है कि प्रदेश की हर सीट को लेकर बैठक में बातचीत हुई। दोनों दलों ने अपनी अपनी पसंद की सीटों की लिस्ट भी एक दूसरे को सौंप दी, लेकिन अभी तक आखिरी फैसला नहीं हो पाया है। बैठक के बाद सपा नेता रामगोपाल यादव सकारात्मक दिखे और बोले कि आधा रास्ता तय हो गया है, तो वहीं बैठक को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि सीटों को लेकर अभी फैसला पूरा नहीं हुआ है, अभी हमने अपनी अपनी सूची साझा की है, उम्मीद है कि उनकी तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं आएंगी, उसके बाद फाइनल फैसला होगा। देखिए, और पार्टी या कोई और पार्टी, इसकी तो कहीं पर चर्चा ही नहीं थी। हमारा जो मैंडेट था, जो आदेश था, वो समाजवादी के साथ बैठकर और एक रूपरेखा बनाकर और उनसे ये समझौता करना था कि किन सीटों पे वो लड़ रहे हैं और किन सीटों पे हम लड़ेंगे। तो उसी संदर्भ में हम लोगों ने बातचीत करी, बहुत अच्छी बातचीत हुई। लेकिन हमने जो उनके सामने अपने विचार रखे हैं, जिन सीटों के बारे में जो उन्होंने हमारे साथ अपने विचार रखे हैं, उन्हीं को अब आगे बढ़ाना होगा और बहुत जल्द उनको बढ़ाने के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे। वहीं जब बात बसपा और मायावती की चली तो रामगोपाल और सलमान खुर्शीद दोनों ही कहते दिखे कि इसे तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। देखिए, ये बातें जो हैं वो हमारे शीर्ष नेतृत्व के लेवल के हैं। जो इंडिया का अलायंस है और जिसमें जितने लीडर्स हैं, उनकी आपस के विचारों के साथ ये निर्णय लिया जा सकता है। इस पे हम लोग नहीं कुछ अपने लेवल पर कुछ कर सकते हैं। सर, फिर कांग्रेस कितनी सीटों पर कोशिश कर रही है? क्या 40 से 50 या 50 से कोई आंकड़ा अगर आप देना चाहें? संख्या या आंकड़ा देना संभव नहीं है और वो उचित भी नहीं है। उचित भी नहीं है कि जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो जब संभावनाएं सामने आकर और उस पर कुछ निर्णय होता है तभी हमको उस बात को पब्लिक करना चाहिए या आम जनता के बीच में आकर वो बात कहनी चाहिए। अभी हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बातचीत हुई है और वो बातचीत हमको विश्वास दिलाती है कि बहुत अच्छा समझौता हम लोग उत्तर प्रदेश में करेंगे और दोनों ही पार्टियां उससे ज्यादा उत्साहित होकर चुनाव लड़ेंगे। माना जा रहा है कि सपा कांग्रेस को 10 से 15 सीटें देने के पक्ष में है, जबकि कांग्रेस 20 से 25 सीटों पर दावेदारी कर रही है। और मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद गठबंधन की मुश्किलें अब थोड़ी बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही हैं। ऐसे में दोनों दल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।